हेलो दोस्तों, का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक अभय में एक बार फिर से। तो गाइस आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस फॉग कंप्यूटिंग और जानेंगे फॉग कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। हालांकि गाइस मैंने अपने चैनल पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन वगैरह पहले किया हूँ, बट गाइस इस वीडियो में जो फॉग कंप्यूटिंग है गाइस उनके कंपेरिजन में क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली बोलूं तो गाइस एक तरह से हमारे इंटरनेट है, जैसे कि हम जिसमें हम डेटा वगैरह जैसे स्टोर करते हैं, जैसे सर्वर है, ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। गाइस वैसे ही फॉग कंप्यूटिंग क्या गाइस, वो भी एक तरह से सर्वर ही है जिसमें हम अपना डेटा वगैरह एक्सेस करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। तो इसमें पर डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं? तो गाइस जो क्लाउड कंप्यूटिंग है गाइस, ये हाई कंप्यूटिंग इसका पावर है गाइस। मतलब गाइस समझ लो आपके पास 100 कंप्यूटर है, तो गाइस 100 कंप्यूटर को एक तरह से अच्छे से परफॉर्म या फिर कहते हो अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज वगैरह करके कंप्यूट कर सकता है। बट वहीं पे बात करें फॉग कंप्यूटिंग गाइस, तो कैसे जो फॉग कंप्यूटिंग है इतने अच्छे से उसे मैनेज नहीं कर सकते, इतने ज्यादा कंप्यूटर को, मतलब उसका कंप्यूटिंग पावर कम है थोड़ा। कैसे यहाँ पे दूसरी बात करें सिक्योरिटी गाइस, तो यहाँ पे गाइस फॉग कंप्यूटिंग बहुत ही आगे निकल जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फॉग कंप्यूटिंग को ही चूज करते हैं। हालांकि इसका कंप्यूटिंग पावर लेस है, बट गाइस इसका सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ा है, इसीलिए बहुत लोग फॉग कंप्यूटिंग को ही चूज करते हैं। गाइस जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, इसका मोबिलिटी जो सिस्टम है गाइस, ये बहुत ही एक तरह से सपोर्ट नहीं करता। मतलब गाइस एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड हम लोग आसानी से नहीं कर सकते, बट गाइस जो फॉग कंप्यूटिंग गाइस इसका मतलब एकदम मोबिलिटी सपोर्ट करता है, मतलब गाइस एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से इसे ले जा सकते हैं। और सबसे मेन बात गाइस जो क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस एक तरह से सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग है और फॉग कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग है। मतलब गाइस जो फॉग कंप्यूटिंग क्या है, ऐसे फॉग कंप्यूटिंग एक तरह से एज कंप्यूटिंग जैसे ही काम करता है। मतलब गाइस एक तरह से एज पर रहता है इसके एग्जीक्यूशन, जितने भी एग्जीक्यूशन वगैरह होते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, इससे बहुत ही फास्टर होते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ट है या फिर फॉग कंप्यूटिंग। तो गाइस यहाँ पे यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसे यूज करता है। मतलब गाइस अगर समझिए उसके पास ज्यादा कंप्यूटर्स वगैरह, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो गाइस वो क्लाउड कंप्यूटिंग ही चूज करेगा। बट गाइस कोई छोटी कंपनी है गाइस समझ लीजिए, ठीक है, उसके पास इतना कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है, बट उसे सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, तो गाइस ऑफ कोर्स वो फॉग कंप्यूटिंग को चूज करेगा। तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग और फॉग कंप्यूटिंग इनके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। बट गाइस जो फॉग कंप्यूटिंग है एक तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है जितने भी इसके इश्यूज वगैरह है, जो माइनर इश्यूज है गाइस, एक तरह से ओवरकम कर जाएगा फ्यूचर में, और एक क्लाउड कंप्यूटिंग से भी आगे निकल सकता है। तो बस गाइस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और फॉग कंप्यूटिंग समझ में आ गया होगा। मतलब गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग और फॉग कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या? बेसिकली गाइस एक तरह से सर्वर है जहाँ पे हम डेटा वगैरह एक्सेस मतलब स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं। बट गाइस दोनों के एल्गोरिथम्स अलग है। मतलब गाइस एक तरह से एक स्लो है तो एक फास्टर है, एक ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो एक कम करता है, एक का कंप्यूटिंग पावर ज्यादा है तो एक का थोड़ा कम है। तो बस यही था डिफरेंस एक फॉग कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि इनके एक फॉग कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग होते गए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल साइंटिफिक अभय को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।